नमस्कार, आप सभी लोगों का मेरे रेखी ज्ञान चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। रेखी ज्ञान चैनल के माध्यम से मैं यामिनी शर्मा, आप हमेशा मुझसे जुड़ते ही हैं, कोई ना कोई सवाल भी मुझसे करते हैं। आज उसी विषय पे आज हम रेखी का ही लेकर जाएंगे, उस विषय पे ही बढ़ेंगे। साथ ही साथ क्योंकि मैं ज्योतिष और वास्तु से भी जुड़ी हूँ, उनका भी मुझे बड़ों की कृपा से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो कुछ ना कुछ उसकी बात भी हमेशा ही करती हूँ। पर सबसे पहले हम बात करते हैं आज का जो टॉपिक है वो रेखी। लेकिन उससे पहले यदि आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि ये जितने वीडियोस मैं बनाती हूँ वो इन्फॉर्मेशन बनाती हूँ या ऐसे वीडियोस को मैं तैयार करती हूँ जो नॉलेजेबल होते हैं, जिनकी मदद और सहायता से आप आगे अगर रेखी से, वास्तु या ज्योतिष से जुड़े हैं तो आगे वो आपको बढ़ाने में आपकी मदद करते हैं। आज का जो टॉपिक है जिसको मैं ले रही हूँ वो है हमारा एंजल थेरेपी, कि हमें क्यों सीखनी चाहिए या क्यों उसकी इम्पोर्टेंस है और किस प्रकार के व्यक्ति इन्हें सीखें तो ज्यादा उनके लिए ये कारगर होगी। यूं तो कोई भी व्यक्ति इस कोर्स को कर सकता है, आपकी जो इंटेंशंस हैं या पॉजिटिविटी है वो आप में अच्छी होनी चाहिए, आपके विचार आपने पॉजिटिव होने चाहिए, उसी अनुसार आप इस कोर्स को करते हैं। लेकिन यदि आप इस कोर्स से नहीं जुड़ना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं तो वो भी मैं तरीके बताऊंगी कि जो लोग नहीं क्यों वो करें और ऐसे लोग के लिए कितना बेनिफिट है, वो सारी चीजें आज मैं इस वीडियो में थेरेपी के थ्रू बता रही हूँ। जब हम रेखी से जुड़ जाते हैं, जो ऑलरेडी रेखी कोर्स किए हुए हैं, जब वो आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं तो उन लोगों के लिए रेखी एंजल थेरेपी या रेखी एंजल कोर्स करना बहुत जरूरी है। इससे उन्हें प्रॉपर सिटिंग, उन्हें वाइब्रेशंस या हर दिशा का अपना एक एंजल है, हर व्यक्ति का अपना एक एंजल है, उसकी नॉलेज होती है। जैसे आप आगे बढ़ते हैं आपको नॉलेज होती है, मगर ये उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं रेखी से, अगर वो लोग करना चाहते हैं तो इस कोर्स के माध्यम से वो जुड़ते हैं और इस कोर्स को वो करते हैं तो उनका जो विजडम है, नॉलेज है, उनकी जो पॉजिटिविटी है, या यदि वो किसी को हीलिंग देते हैं तो उनकी वो काफी तेजी से होनी शुरू हो जाती है। दूसरे प्रकार के व्यक्ति जो कि हीलिंग करते हैं या डॉक्टर्स हैं या ऑलरेडी वो थेरेपी या होम्योपैथिक या वास्तु या ज्योतिष से जुड़े हुए हैं, जो ऑलरेडी इसे हम जैसे लोग हैं जिन्होंने इसका बाकायदा नॉलेज पढ़ाई करके यहाँ तक पहुंचे हैं, ऐसे व्यक्ति भी जब इनका आवाहन करके या इन नॉलेजेबल इन एनर्जी से जुड़ के अपना कार्य करते हैं तो काफी हद तक उनका कार्य पूरा होना शुरू हो जाता है। जो हीलिंग करते हैं, जो हीलर्स हैं, जो हीलिंग करते हैं विदाउट मेडिसिन, वो यदि अपने एंजल को कोर्स करने के बाद में जो हम लोग जो उनको तरीके मापदंड बताते हैं वो कोर्स करते हैं, उसके थ्रू करते हैं तो काफी जल्दी उनकी हीलिंग शुरू हो जाती है। सपोज जैसे माइकल हैं, उनका पर्टिकुलर डे है, जैसे संडे है उनका, तो आप उनको कॉल करेंगे तो संडे जब माइकल को आप जानते हैं उनको कॉल करते हैं तो उनकी जो पॉजिटिविटी है वो उस व्यक्ति के लिए काफी तेज वहां तक पहुंचाते हैं, या आप उनसे प्रार्थना करते हैं कि भाई हम ये हीलिंग उस पर्टिकुलर व्यक्ति का फरा उसका नाम है उसको भेज रहे हैं, आप हमारी मदद कीजिए या हमें डायरेक्शन दीजिए। बिकॉज हीलिंग जो है वो एक तरह की आर्ट्स है, ये आप जब इस हीलिंग को करते हैं तब आपके जो कार्मिक आपके हैं, आपके जो बड़ों के आशीर्वाद है, उन्हीं के थ्रू आप हीलिंग में निकलते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ प्रत्येक व्यक्ति हीलर नहीं हो सकता, हीलिंग नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें कई प्रकार के आपके शनि की आप पे क्या दशा है, आपके घर में आपके बुजुर्गों का क्या स्थान है, आपके खुद के कर्मा क्या है, उन्हीं से बन सब चीजें क्रिएट होती हैं। लेकिन यदि आप करते हैं अपने परिवार की, अपने मित्र की, अपने घर की या की, तो आप हीलिंग जब इसको करते हैं तो वहां पर यदि आप पर्टिकुलर एंजल कोर्स कर रखा है और उसका प्रयोग करते हैं तो आपकी हीलिंग कैपेसिटी काफी फास्ट हो जाती है, आपके अंदर पॉजिटिविटी आ जाती है, आपको डायरेक्शंस क्लियर हो जाते हैं। आप जो भी हीलिंग करते हैं, सपोज आप किसी स्टूडेंट की हीलिंग कर रहे हैं, किसी बच्चे की हीलिंग कर रहे हैं और आपको पता चलता है ये बच्चा होशियार तो है लेकिन ये बच्चा जब भी बैठता है एग्जाम में तो यहाँ पे ये दिक्कत आती है, तो पर्टिकुलर एंजल को उस व्यक्ति या उस स्टूडेंट से कनेक्ट करके जब आप हीलिंग करते हैं तो वो एनर्जी बहुत जल्दी फ्लोट होती है। लेकिन उसके लिए आपको उस हीलिंग को जानना चाहिए कि कैसे हम इस एंजल को उससे जोड़ते हैं, उसके बाद हम उसे भेजते हैं।
जब एंजल कोर्स से आप जुड़ते हैं तो कुछ रिचुअल्स आपको बताए जाते हैं, उन रिचुअल्स को आपको फॉलो करना पड़ता है, आपको सारा पैरामीटर्स मापदंड बताए जाते हैं। एंजल्स आर पॉजिटिव एनर्जीज, आप समझ लीजिए पॉजिटिव, जहां पर पॉजिटिविटी होगी, जहां चीटिंग नहीं होगी, वह 100% एंजल्स काम करती हैं। मगर दोस्त हुआ जो आपको लगता है एग्जाम, आपको क्लास में आप जाते हैं, कभी कभी आपके अदर्स जो बच्चे हैं उन्होंने भी टीचर्स के साथ में सेटिंग कर रखी है, या वो टीचर्स के साथ में ऑलरेडी कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनके मदर फादर के रिलेशन है जिसके कारण उनको सपोर्ट मिल रहा है, उस समय यदि आप प्रार्थना करते हैं कि भाई मैं निस्वार्थ भाव से आपको ब्लेसिंग्स आपकी चाहता हूँ, या आप अपने पर्टिकुलर एंजल को कॉल करते हैं, तो आप देखेंगे इमिजिएटली आपको डायरेक्शन मिलना शुरू हो जाता है कि एंड तक आप मुझे सही गाइड करें, या एट द टाइम ऑफ स्टडी जब आप पढ़ने बैठ रहे हैं आपको क्वेश्चंस याद नहीं हो रहा, आपको समझ में नहीं आ, तो प्लीज हेल्प कीजिए, इतने बड़े चैप्टर्स, इतने सारे क्वेश्चंस और मैं एग्जाम देना चाहता हूँ, मुझे हेल्प कीजिए कि मैं किस पे ज्यादा फोकस करूँ। ऐसे प्रार्थना करके आप बैठते हैं तो आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन, जो आपके हायर चक्रास है, उन्हें वो एक्टिवेट करता है। जो यूरल है वो इसी काम को ही करता है। हम हर एंजल्स को अपने एक नाम से पुकारते हैं, हर एंजल का अपना एक कलर है, जैसे कि माइकल्स, आपका जफेल, जाबील, हर एंजल अपना एक कलर, अपना एक अपनी इंटेंशंस और पावर लिए हुई है। आपने एंजल्स को देखा होगा, जब देखा होगा तो आपके अंदर एक फीलिंग भी आई होगी कि एंजल्स के इतने बड़े बड़े विंग्स या फैदर क्यों होते हैं, क्यों वे ह्यूमन है एज वेल एज वो स्पिरिचुअल पावर्स हैं। आखिर स्पिरिचुअल या आपकी गार्जियन एंजल्स, इनर सोल या हायर सोल, ऐसे नामों से ही क्यों पुकारा जाता है, कभी आपने नोटिस किया है? आज मैं वो चीज आपको एक रहस्य बता रही हूँ। एंजल को आप देखेंगे तो हम जैसा ही दिखेगा, उनका जो स्वरूप है वो अर्थ पावर भी है, साथ ही साथ उनको हेवन एलिमेंट्स भी दिया गया है, यानी कि विंग्स, तो उनको जो उनकी पावर्स है वो हेवन से, यानी कि आपके जो भी हमारे जितने भी हमारे वर्ल्ड है वहां से उनको यहाँ हमारे अर्थ की पावर में लेकर आती है, और जो विंग्स हैं उनके वो एक उनको बिग विजडम देते हैं। आप विंग्स देखिए, आप एंजल को देखेंगे तो आप काफी फ्रेंडली फीलिंग, आपको ब्लेस फीलिंग उनको देख कर आएगी, मेन यही उनकी पावर है, और आप उनको कोई भी बात बड़े ही सरल तरीके से कह सकते हैं। वो आपको ये दिखाते हैं कि हम ह्यूमन उसमें तो है, हमारा फिगर ह्यूमन की तरह, तो डरिए मत, लेकिन जब आप उनको विंग्स उनके देखते हैं, उनके पंखों को देखते हैं, तब आपको एक जो एहसास होता है वो होता है एक हेविली, एक अर्थली यूनिवर्सल पावर का, कि नहीं कुछ तो यूनिवर्सल या कुछ तो ऐसी पावर है इनके पास में कि ये सबसे अलग है, या ये हमारे लिए पॉजिटिव इंटेंशन रखते हैं, या ये हमारी उस विश को वहां तक पहुंचाते हैं। जब आप एंजल कोर्स, एंजल थेरेपी कोर्स से जुड़ते हैं तो वो सारी चीजें परत दर परत आपके सामने खुलना शुरू हो जाती हैं। कैसे कॉल करेंगे, कैसे उनसे इंटेंशंस देंगे, आप कहीं फंस गए हैं वहां से कैसे निकलेंगे, किसी ने आपके साथ गलत किया है तो उसमें आपकी कैसे मदद करेंगे, आपको डर लगता है किसी काम को करने में तो किस तरीके से आप उनकी मदद लेंगे, ये सारी चीजें वो आपके लिए मदद करते हैं। थोड़ा सा कॉन्सल्टेशन इस कोर्स में ज्यादा देनी पड़ती है, आपको अपने हायर चक्रास को मेडिटेशंस के थ्रू एक्टिव रखना पड़ता है, बिकॉज दे आर वेरी प्योर सोल। ऐसा नहीं आप आवाज देंगे तो आएंगी नहीं, बिल्कुल आती है, लेकिन आपको अपने भी इनर जो ग्रोथ है वो करनी पड़ती है। थोड़ा सा चीटिंग्स और आपकी और भी बहुत से ऐसे तरीके जो लोग करते हैं उनसे थोड़ा सा कटना पड़ता है। आप उनकी प्रार्थना लेके अच्छा काम कीजिए, आपको सद्बुद्धि, सद्गति, आपको प्रॉपर आपके व्यवसाय, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं उसमें भी उन्नति करना शुरू कर देते हैं, आपको डायरेक्शन देते हैं, आपके अंदर एक विशेष चमक आपके अंदर आ जाती है, जैसे ही आप इन्हें कॉल करते हैं एट द प्रेजेंट खड़ी हो जाती है। एंजल्स कोई भी हो सकती है, देखिए कोई भी एंजल है जिसको आप कॉल करते हैं, आप इनको बुलाते हैं, ये इमिजिएटली आपके पास आ जाती है। एंजल्स का जो कलर है वो भी इनको डायरेक्शन देता है। जब आप कोर्स से जुड़ते हैं और जब एक टाइम भी ना इनकी मेडिटेशन करते हैं, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाती है। यहां तक कि मैंने देखा है लोगों को अपनी एंजल जो है वो भी मालूम पड़ जाती है कि ये हमारी एंजल है, उसका ये कलर है या उसका ये नाम है, इतना तक लोगों ने एहसास किया, या उनको फेदर मिलने शुरू हो जाते हैं। जब आप कोर्स करते हैं उस समय उनको लिली, रोज की स्मेल आनी शुरू हो जाती है, यहां तक भी मैंने देखा है लोगों पे इसका असर आया हुआ है। लेकिन इसके लिए जो कोर्स की जो डायरेक्शंस है, जो कोर्स है उससे जुड़ना है।
आप चाहे रेकी से जुड़े हैं तो भी कर सकते हैं, नहीं जुड़े हैं तो भी कर सकते हैं। मगर एक चीज यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं कहूंगी प्रत्येक व्यक्ति में चाहिए कि वो सिटिंग दे सकता है, प्रे कर सकता है, मेडिटेशन कर सकता है, बस। ये तो मेरे ख्याल में हर व्यक्ति जानता है करना कि कैसे हम प्रभु तक जब प्रार्थना करते हैं रोज जो प्रेयर करते हैं वही मेडिटेशन है। बस उसी मेडिटेशन के थ्रू आपको जुड़ना है और दिव्य शक्तियों से प्रार्थना करिए, पॉजिटिविटी लेकर आइए, बस वही आपको एंजल से प्रार्थना करनी है। आज मैंने बताया जो एंजल थेरेपी करते हैं, जो लोग जुड़ते हैं वो किस प्रकार से इनसे जुड़ेंगे, उनकी मदद लेंगी। मेरे रेखी ज्ञान चैनल से जुड़े हैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।